हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं अपने फोर्ड इकोस्पोर्ट के साथ। तो आज का ब्लॉग भाई थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट होने के भाई कई सारे कारण है। जैसे कि आपको पता है अभी एक सरप्राइज आने वाला है, तो भाई वो सरप्राइज हमारी गाड़ी है, ये तो आपको खैर पता ही है। लेकिन अभी ये नहीं बताया हमने कि कौन सी गाड़ी आने वाली है, कौन सी नहीं है, उसके पीछे अभी हम सरप्राइज बरकरार रखेंगे। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट की जर्नी के बारे में। जर्नी वो इतनी स्पेशल क्यों है भाई? ये गाड़ी इतनी स्पेशल है ना, इस गाड़ी को ट्रिब्यूट बनता है, तो वो ट्रिब्यूट हम देंगे। तो भाई इस गाड़ी की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी 2018 में। 2018 में सितंबर में जर्नी स्टार्ट हुई थी और ये एंड हुई है जनवरी 2024 में। तो यार ये जर्नी इतनी खूबसूरत रही ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कई बार सुना कि फोर्ड बदनाम है। बदनाम होने का एक कारण था कि भाई इसकी मेंटेनेंस इतनी है। लोग कहते थे हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते मेंटेनेंस को। तो चलो आज मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। ये जो गाड़ी है ना, 4,000 से 5,000 के बीच में एवरेज मेंटेन कॉस्ट लेती थी, वो भी 10,000 किलोमीटर पे। कभी भी सर्विस की जो कॉस्ट है इसकी वो 4,000 से 5,500 के बीच में रही है और इससे ऊपर नहीं गई है। और उसके अलावा एडिशनल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। एडिशनल कॉस्ट होती क्या है? तो एडिशनल कॉस्ट में क्या है यार कि भाई इस गाड़ी की जो थी ना 5 साल तक की हमारी गारंटी थी। गारंटी किसकी? अनकंडीशनल। वियर और टीयर प्रोडक्ट छोड़ के ना पूरी गाड़ी फुल्ली कवर थी। वैसे तो इंश्योर्ड भी थी पर कवर थी वारंटी में। तो भाई वारंटी का बेनिफिट इतना रहा, एक बार इसके इंजन की माउंटिंग खराब हुई, माउंटिंग फ्री में चेंज हुई मेरी। उसके अलावा एसी में एक बार दिक्कत आई, वो भी इन्होंने फ्री में रिप्लेस किया। एक बार जो इसका कार्बोरेटर होता है उसमें दिक्कत आई थी, वो भी फ्री में। लिटरली आज तक मेरा इस गाड़ी में 1 रुपया नहीं लगा। और मैं कह रहा हूँ कि इतनी गाड़ी फॉर्चुनेट थी ना मेरे लिए, आज तक कभी मेरी गाड़ी का ना एक्सीडेंट हुआ ना कहीं टच हुई। मतलब लिटरली एक सीरियस ट्रिब्यूट इस गाड़ी के लिए बनता है। तो ये खास कैसे है? खास तो भाई ये अपने एरोडायनामिक की वजह से है। आप देखोगे ना जितना एरोडायनामिक का काम इस गाड़ी के अंदर किया गया ना, उसका उतना काम किसी के अंदर नहीं किया। उसके अलावा दूसरी चीज कैसे, ये देख रहे हो ना, ये आप किसी गाड़ी में करके देखना। जो बोलते हैं ना लोहा मजबूत, भाई फोर्ड का लोहा मजबूत था, तो मजबूती की वजह से ही ये गाड़ी बरकरार रही। उसके अलावा दूसरा इसका ड्राइविंग प्लेजर, भाई सब 1500 cc डीजल टर्बो चार्ज इंजन के साथ में आती है गाड़ी। मैं कह रहा हूँ पंजा दबाते फायर हो जाती है भाई, पावर की तो गाड़ी के अंदर कमी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया एक्सलेट करने की देर होती है, गाड़ी ऐसा भागती है ना यार, ऐसा भागती है कि बता नहीं सकता। अब उसके अलावा हम बात करते हैं कि अंदर के कंफर्ट की और अंदर की इसकी पोजिशनिंग की। पूरी गाड़ी जो है ना बल इतनी, मैं कहूँगा कि गाड़ी ना इतनी मस्कुलर है, मस्कुलर मेरे ख्याल से परफेक्ट वर्ड रहेगा। इतनी मस्कुलर गाड़ी है और इतनी बकेट फिटिंग है ना अंदर कि आप जैसे गाड़ी में बैठते हो ना, आपको ऐसा लगेगा छोटे से छोटा पार्ट भी ना अननेसेसरी नहीं है। बिल्कुल आप ऐसा लगता है आपके लिए बनाया है, आप बिल्कुल बैठते हो इतने अच्छे से एडजस्ट हो जाते हो। और भाई मैं कह रहा हूँ बस ये गाड़ी है कि इसके थोड़े सस्पेंशन स्टिप है, उसका कारण भी है स्टिप करने का। स्टिप होने की वजह से अपने इस सेगमेंट में ना इससे बढ़िया हैंडलिंग किसी गाड़ी की नहीं है। अगर आप कॉर्नरिंग की बात कर रहे हो, किसी भी कहीं भी चलाने की बात करोगे ना, इससे बढ़िया हैंडलिंग नहीं मिलेगी। और हाँ, एक पीछे ना लद्दाख की एक वीडियो वायरल हुई थी कि भाई गाड़ी ना चढ़ने में स्ट्रगल कर रही है, चढ़ नहीं पा रही है। तो यार मैं एक चीज कहूंगा, मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं है, कि कई बार ना गाड़ी की बात नहीं होती, ड्राइवर की बात होती है, तो कई बार ड्राइवर भी फेल हो जाते हैं। हाँ मेरे को, मैं इस चीज को मानता हूँ कि गाड़ी फ्रंट व्हील होने की वजह से थोड़ा स्ट्रगल करती है, लेकिन अक्सर सभी गाड़ियां करती है, उसमें ऐसा नहीं है कि यही कर रही है। तो अगर ड्राइवर अच्छा है ना भाई, इसको कहीं भी ले जा सकता है। मैं पर्सनली मैंने चलाई है, मेरी 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है 5 साल के अंदर, और ये मेरे लिए भी एक माइलस्टोन था, इतना बड़ा टारगेट अचीव करना। तो इस माइलस्टोन की बात कर रहा था, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। अब क्या करते हैं, पूरी गाड़ी को ना 2-4 चीजों में बांट लेते हैं, जैसे कि कंफर्ट में, मेंटेनेंस कॉस्ट में, फ्यूल एफिशिएंसी में, और गाड़ी के बजट में। तो अब उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो भाई अभी आप देखो, जैसे कि जो हमारी जिस टाइम पे हमने गाड़ी ली थी, हमें पड़ी थी 12 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए में उस टाइम पे भाई साहब ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी लिटरली। ये सेकंड टॉप डीजल टाइटेनियम मॉडल है और इतनी पावर इतने बढ़िया फीचर के साथ में किसी में नहीं आती थी। तो उसके लिए हमने इस गाड़ी को चूज़ किया था। ये एक पहली गाड़ी थी इंडिया में, दूसरी गाड़ी स्कोडा के बाद में, जिसके 5 टायर जो थे अलॉय थे।
जो स्पेयर व्हील था वो भी इसका अलॉय था। उसके अलावा अब इसमें बात करते हैं हम इसकी मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस पे मैंने आज तक कोई पैसा खर्च नहीं किया, बस मेरी 4,000 से 4,500 रुपए की जो मेरी कॉस्ट रही है वो सर्विसिंग की कॉस्ट रही है। उसके अलावा जो भी मैंने इसमें चेंज कराई वो सब मेरा गारंटी में कवर हो ही गया। 1,00,000 किलोमीटर में गाड़ी ने मेरे को कभी भी धोखा नहीं दिया, कहीं भी एक बार इसने मेरे को एक बार भी ऐसे खड़ा नहीं किया। इस गाड़ी की एक कमी थी सबसे बड़ी, इसका कोई तोड़ नहीं था, वो है ये गुड़ियर के टायर जो कंपनी के साथ में आए थे। भाई इतने बकवास टायर थे ना, 5 में से 3 टायर फटे हैं मेरे, और ये ऐसा नहीं मेरे साथ ही सबके साथ इशू था। आप ये देखो जो इसकी वोल है ना, इतनी इतनी पतली थी उसकी वजह से बार बार टायर फट रहा था। तो फिर उस चीज का निजात पाने के लिए मैंने ये ब्रिजस्टोन के टायर डलवाए, और जब से मैंने टायर डलवाए हैं मेरे को 2-3 चीजों का बहुत फर्क पड़ा। पहला जो इसका स्टेयरिंग व्हील था वो और स्मूथ हो गया, उससे क्या मेरे को चलाने में और कंफर्ट आने लगा। दूसरा क्या था कि गड्ढे इस वाले में कम लगते थे, और भाई तीसरा इसको रफ एंड टफ कैसे मर्जी चलाओ ऑल टेरेन टायर है, बढ़िया मेरे को मजा आया चलाने में। गाड़ी की फीचर्स की बात करें ना, ऐसे ऐसे फीचर है जो अब भी गाड़ियों में नहीं आते, मतलब अब आने लगे हैं। आप देखो सबसे बड़ा फीचर है इसका कीलेस एंट्री का, जो कीलेस एंट्री है ना उसकी, ये फीचर अब आया है इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड में। भाई इसमें क्या है, आप आओ बस ऐसे फिंगर लगाओ अनलॉक हो जाएगी, टैप करो लॉक हो जाएगी, दोनों फ्रंट के जो दोनों डोर है उसमें और जो अपने डिग्गी में पास जाती है ऑटोमेटिक आप बटन दबाओ बस अनलॉक हो जाएगी। ये वाला फीचर अब आया है आपका इनोवा में। उसके अलावा भाई अब बात करते हैं और फीचर्स की, तो गाड़ी के अंदर भाई आपके फोग लैंप आते थे और हेडलैम्प आते हैं, हेडलैम्प इसके हैलोजिन है, और उसके अलावा गाड़ी में कीलेस एंट्री है और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, और लगभग उपरोक्त सारे ही फीचर है इस गाड़ी के अंदर है। तो भाई अब बात करते हैं इसके माइलेज की, माइलेज कैसा था। माइलेज की अगर मैं बात करूं भाई, गाड़ी ने जब हमने तरीके से चलाई है ना, वैसे तो चलाई बहुत कम है पर जब हमने चलाई है गाड़ी का जो एवरेज था भाई वो 22 और 23 के एम्पियर तक गया था डीजल इंजन में। और जब हमने इसको बिल्कुल अपने जैसे हम चलाते थे इसको, तो वैसे भाई गाड़ी का जो एवरेज था वो कभी भी 17-18 से नीचे नहीं आया, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था गाड़ी का एवरेज भी, भाई उसके लिए तो बहुत बड़ा थम्सअप है गाड़ी का। और मेरे ख्याल से बाकी मैंने सारी चीज़ें कवर कर ही दी है इसमें। भाई उस टाइम क्या है, उस टाइम जो सनरूफ का फीचर था वो खाली इसके स्पेशल एडिशन में आया था उस टाइम पे, बहुत कम गाड़ियों में इस सेगमेंट में तो मतलब ही नहीं था यार। इस सेगमेंट क्या 25 लाख रुपए तक के सेगमेंट में किसी गाड़ी में आता ही नहीं था सनरूफ, तो वो भी इसके लिए बहुत बड़ी भाई विन थी। कि पर पता नहीं उसके बाद में फिर ये BS6 में चेंज नहीं कर पाए, इनके पास खाली डीजल इंजन थे, BS6 और कई सारी चीज़ों की होने की वजह से फिर इन्होंने ड्रॉप कर दिया। लेकिन भाई अब गुड न्यूज़ आई है कि फोर्ड वापस आ रही है, तो भाई हमें तो मजबूरी में कोई दूसरी गाड़ी लेनी पड़ रही है, वरना इसके अलावा तो मैं कोई प्रेफर ही नहीं करता। तो अब भाई फोर्ड आ रही है वापस इंडिया में, तो अब देखते हैं फोर्ड किस सेगमेंट में आएगी और कौन कौन से अपने मॉडल लेके आएंगी, हाइब्रिड लाएगी ईवी लाएगी, तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो भाई ये हमारी जो खूबसूरत जर्नी थी ये 18 में जो स्टार्ट हुई थी वो अब 24 में एंड हो रही है। तो यार इसके लिए दुख तो मेरे को बहुत है कि यार गाड़ी जा रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सबको आना है, हमें भी आना है, जाना है, सबका लगा रहेगा वो तो। तो भाई ये जो गाड़ी है हमारी ये चल चुकी है 1,00,000 किलोमीटर, और 1,00,000 किलोमीटर पता है हमने कैसे कैसे चलाई है, 1,00,000 किलोमीटर हमने चलाई है ऑल टेरेन गाड़ी। ऑल टेरेन कैसे भाई, हमने स्टिप से स्टिप माउंटेन छोड़ी नहीं है इसको, इसको लेके हम नारकंडा गए, हिमाचल गए, उत्तराखंड गए, राजस्थान गए, हम उत्तर प्रदेश गए, हरियाणा गए, पंजाब गए। तो भाई हमने लगभग बहुत सारी सिटीज के अंदर कवर की है, और हमने हर वेदर में हर टेरेन पे चलाई गाड़ी, 6-6 बंदे यहाँ से बैठ के इसमें गए थे। तो बहुत बड़ी बात है यार कि इसका डीजल इंजन जो है बहुत पावरफुल था। अब एसी की बात करते हैं, जो इसका एसी था, एसी इतना पावरफुल है भाई कि मतलब मुझे पर्सनली इससे ज़्यादा पावरफुल एसी किसी का नहीं लगा। इतनी तकड़ी कूलिंग है ना उसकी, कभी भी कितनी भी गर्मी हुई मैंने उसको मतलब लिटरली आप ये देखो कि 21 से नीचे नहीं लाया। और अब जैसे गाड़ी धूप में खड़ी है तो विद इन 30 सेकेंड भाई एकदम चिल्ड हो जाती थी हमारी पूरी गाड़ी। इस जर्नी की तरह इस व्लॉग को भी अब वाइंड अप करते हैं और अपने कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये कहता है गाड़ी में आज तक किसी तरह का इलेक्ट्रिक फॉल्ट नहीं आया, कभी सेंसर में दिक्कत नहीं आई। इसकी एक कमी थी, हाँ एक तो टायर वाली, और दूसरी एक मैं बताने भूल गया था क्लच की, क्लच का भी एक इसका इशू था।
क्लच भी इसकी काफी हार्ड थी, ये दो इसके अंदर इशू थे। उसके अलावा यार गाड़ी ने मेरे को लिटरली कभी परेशान नहीं किया, इसके जैसी गाड़ी टचवुड आज तक मेरे को मैंने जितनी गाड़ियां चलाई है मेरे को मिली नहीं है। जिस तरीके से मैंने गाड़ियां चलाई है ना, वैसी ऐसी मेरे को इसके अलावा कोई गाड़ी मिली नहीं है। तो फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और अपनी गाड़ी को बाय बाय बोलते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में किसी नई चीज के साथ में। बट एक बात बोलूंगा यार, इस गाड़ी को मिस बहुत करेंगे। बाय बाय। Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind.